हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और मैं आप लोगों का मेंटर कुमार सर, और हम लोग आज बात करेंगे क्या है पार्ट ए में, क्या है जूलॉजी के, तो यहाँ से क्या है जूलॉजी के, हम लोग कहाँ से, यहाँ पे एक चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी मॉडल पेपर, तो इसमें कुछ समझ लेंगे यहाँ पे क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसे देखते हैं, द कोडॉन फॉर द इनिशिएशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकेरियोट। यूकेरियोट में कौन सा कोडान है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो पहला ऑप्शन है AUG है, सेकंड ऑप्शन है UAA, थर्ड ऑप्शन है AGU, और डी ऑप्शन है UGA। पहला जो हमारा हो जाएगा AUG, ठीक है। तो AUG ये हमारा क्या है, रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, रिकैपिटुलेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई? तो ये ऑप्शन है डार्विन के द्वारा है, लैमार्क के द्वारा हैकल साहब के द्वारा, और हमारे फिशर के द्वारा है। तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी हमारे प्रपोज्ड की गई थी हमारे किसकी, हैकल साहब के द्वारा इसको क्या है प्रपोज्ड किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दो का सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एस्टाबिज्म इन मेन मीन्स, कह रहे हैं एस्टाबिज्म होता है मनुष्य में देखने, उसका मतलब क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ द न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लॉस ऑफ सम प्री एग्जिस्टेंस कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे क्या है अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स होते हैं, और इवोल्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एबिटिज्म एटाविज्म हमारा क्या होता है, अपेरेंस ऑफ द एनसिस्टर करेक्टर्स। अगर एनसिस्टर करेक्टर्स के अपेरेंस हमको देखने को मिल जाते हैं तो ये कंडीशन हमारी क्या है, एटाविज्म देखने को कहलाती है, फिर मिलती है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा फोर है, द लार्जेस्ट कार्पसल्स इन मैमल्स ब्लड इन कौन सी होती है? तो मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है हमारी, इरिथ्रोसाइट है, और बेसोफिल्स है, ठीक है। तो लार्जेस्ट पूछी है इसमें, तो लार्जेस्ट हमारी कौन सी हो जाएगी, तो मोनोसाइट है, तो यही हमारी क्या है लार्जेस्ट हमारी होती है हमारी क्या है कार्पसल्स में, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से फाइव हम लोग देखेंगे, हीम ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इट्स। हीम जो हीमोग्लोबिन में हीम देखने को मिलता है उसको उसको क्या है, ये एपो एंजाइम है, को एंजाइम है, इनऑर्गेनिक कोएक्टर है, ठीक है, या प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो जो हमारा हो जाएगा ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। हीम है हमारा कैसा, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ से क्या थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द सलाइवा ऑफ लीच कंटेन एन एन एंटी एगुलिटेंट कॉल्ड, ठीक है। लीच होता है उसमें क्या है एंटी एगुलिटेंट कुछ उसको क्या नाम, सलाइवा में होता है उसको क्या नाम से जानते हैं, हिस्टिडिन नाम से जानते हैं, हिरोडिन के नाम से उसको क्या है जानते हैं, या हेपेरिन के नाम से जानते हैं, या फिर हिस्टामाइन के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है हिरोडिन होता है, तो हिरोडिन की वजह से बाइट करती है जब भी एनिमल्स में, तो लगातार ये एंटीकोगुलेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड को सक करके रहती है, उसको क्या है थिनर बना, थिनर काम करती है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लीकेशन, कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जिनको डीएनए रेप्लीकेशन की नीड्स नहीं होते? तो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनएज है, लाइगेज है, और आरएनए पॉलीमरेज है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की बात चल रही, तो डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनएज यही हमारा क्या है यूटिलाइज नहीं होता है, बाद बाकी ये तीनों के तीनों यूटिलाइज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का बी ठीक हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर एट की, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए हैज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये सिक्वेंस इसका दिया गया है, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड विल हैव द सिक्वेंस, कह रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो दिया गया है इसको हमेशा याद रखिएगा, ए
हमेशा किससे है, टी से करता है, और जी हमेशा सी से करता है। तो इसका देख लेना, इसका तो कौन सा होगा, जी के बाद हमेशा क्या लगेगा, एन सी यहाँ पे लगेगा, ए के बाद टी लगेगा यहाँ पे, और टी दिया है तो ए यहाँ पे लग जाएगा, और सी तो जी यहाँ पे लग जाएगा, ए तो यहाँ पे टी टी लग जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, तो टी टी ए, टी टी जी ए टी सी। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, सही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, मैच कर रहा है, और यही हमारा ठीक हो जाएगा। इसी के हिसाब से अब बात करें क्वेश्चन नंबर, टर्मिनल एंड क्रोमोसोम इस इन कार्ड। ठीक है, तो टर्मिनल एंड होता है क्रोमोसोम का, उसको क्या नाम से जानते हैं, सेंट्रोसोम होता है, क्रोमोमियर्स होता है, टीलोमियर्स होता है, फिर मेटामर्स होता है। तो जो हमारा होता है, हमारे कैसा होता है, टीलोमियर्स होता है, यही हमारा क्या सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, वन ऑफ फॉलोइंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी आइसोलेट इनएक्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सब सेलुलर स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी आइसोलेट इनएक्ट, इनमें से कौन सा जिसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, बी हमारा लाइसोसोम हो जाएगा, और सी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, और डी न्यूक्लियस हो जाएगा। तो किसको आइसोलेट नहीं किया जाएगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट है। ठीक है, ए सेल हैज 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन दिया मियोटिक टीलोफेज। ठीक है, मियोटिक टीलोफेज पूछा है, द नंबर ऑफ द क्रोमेटाइड क्रोमेटाइड एट द प्रीसेडिंग मेटाफेज पास। ठीक है, तो क्रोमेटाइड कितना है, 23 पेयर है हमारा। ठीक है, और तो ये हमारा जी हो जाएगा, इतना पेयर है, इसको प्रेसिडिंग मेटाफेस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 92 हो जाएगा, और 23 × 4। ठीक है, यानी चार है म्यूटिक, तो लास्ट में हमारे क्या है, चार से हो जाएगा, 23 × 4। ठीक है, तो 90, तो यही निकल के आएगा इसको, 92 क्रोमेटाइट नंबर आपका क्रोमेटाइट। ओके, प्रोसीडिंग मेटाफेज बस। ठीक है, हाँ यही होगा, है तो 23 × 4 यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट, हम स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। द डिक्टम था, ओमनी सेलुला इज आ सेलुला कॉल सेल अराइज फ्रॉम फ्री फ्री एग्जिस्टिंग सेल वाज द गिवन बाय द फॉलोइंग। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा था। ये आल लुईस पाश्चर के द्वारा दिया गया, आर बर्चाउ थे हमारा क्या, फ्लेमिंग थे, और एच ए क्रेप्स थे। तो ये बर्चाउ के द्वारा सेल थ्योरी में दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना, यानी कोई भी सेल्स तभी डिवाइड करेगी, ऑलरेडी पहले से ही वो कहीं ना कहीं उसमें विद्यमान होती है सेल, तो वो ही डिवाइड करती है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, द हार्मोन एड्रेनलिन इज द सेम एज द न्यूरोट्रांसमीटर। तो कह रहे हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह सेम होता है, एड्रेनलिन वो कौन सा हार्मोन है, तो इसमें हो जाएगा ए सी एच है, गाबा है, एपिनेफ्रेन है, फिर नॉर एप्रेन है। तो जो हमारा एड्रेनल का होता है और हमारा का न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है, वो हमारा कौन सा है, ए सी एच है। ठीक है, एडिनोकॉर्टिको हार्मोन है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाइट ब्लाइंडनेस इन मेन इज कॉज्ड बाय द डिफिशंसी ऑफ रतौंधी किसके द्वारा होती है। तो बहुत ये जी क्वेश्चन है, और रतौंधी हमारा क्या, रेटिनॉल यानी ई की वजह से देखने को मिलती, इसी की डिफिशंसी हो जाती है, तब ये फिनोमेना या घटना देखने को मिलती। इसमें रात में क्या, शाम को नहीं दिखाई देते, इसमें रॉड सेल्स हमारी कैसे हो जाती हैं, वीक हो जाती है फिर काम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 15 है, इसको यहाँ से देख लेते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, कह रहे हैं इनमें से कौन सा पेयर है उसको क्या हमको क्या करेक्टली मैच करना है। ठीक है, ग्लूकोजन ग्लूकागोन हमारा क्या है, अग्न्याशय के निकलता है, किससे हमारा निकलता है, अल्फा सेल से निकलता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया है, ग्लाइकोलाइसिस, और हाँ ठीक है, क्या अच्छा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है हाँ, तो ग्लूकागोन से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है, नहीं, ग्लाइकोलाइसिस पाइरुविक एसिड होता है, इंसुलिन हमारा क्या है, हाइपर ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुविक एसिड, हाँ ठीक है, इंसुलिन जब कम हो जाएगा निकलना तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, रक्त का शर्करा बढ़ जाएगा, पैराथ्रम बोन फॉर्मेशन, ठीक है, तो ग्लूकागोन ये क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया है ना, ग्लूकागोन हाइपोग्लाइसीमिया के रेस्पॉन्सिबल होता है, ग्लूकागोन अगर ज्यादा होगा तो ग्लूकोज हमेशा क्या है, कम देखने को मिलेगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया हमारे किसके थ्रू होती है, इंसुलिन के थ्रू होगी, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें, मतलब पूछा है इस करेक्टली मैच्ड ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बनता है, तो यही हमारा क्या है सही हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का बी ऑप्शन हमारा क्या सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएट विद द ब्लड सेल्स एंड सेलेक्ट योर द आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, इसके नीचे कुछ कोड दिया गया, उसको सही आंसर को सेलेक्ट करना है। ऑल ब्लड सेल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिनल, कह रहे हैं ब्लड सेल्स होती है मेसोडर्मल, और लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी एंड बॉडी, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स कहा, नेवर फैगोसाइटोसिस, नहीं, तो कह रहे हैं कौन सा कोड आर एसोसिएट विद द ब्लड सेल्स से, तो ये सही है, ये सही है, न्यूट्रोफिल्स आर नेवर फैगोसाइटिस, नहीं, हमेशा फेगोसाइटिस ही होती हैं, ठीक है, तो ए और बी हमारे क्या है करेक्ट, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70, द राइज ऑफ द ब्लड शुगर अबव द नॉर्मल लेवल इज नोन है, अगर किसी ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज है 90 से 120 के आसपास रहती है, ठीक है, फास्टिंग में रैंडम हमारी क्या है लेस देन 40 के आसपास मिलेगी आपको, तो है ना, तो अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या हाइपर ग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, ठीक है, तो कहाँ पे है, ग्लूकोज नॉर्मल से एबव हो जाएगा तो हाइपर ग्लाइसीमिया यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके बाद में 17 के बाद में आ जाएगा हमारा 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा है करेक्टली मैच्ड है, ट्रोफोलेक्सिस इंसेक्ट कॉलोनी को कहते हैं, लिमुलस क्लास मेटा स्टोमेटा है, इंसेक्ट कंपाउंड मोजेक इमेज लाइट आई, ठीक है, और स्टेटोसिस्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप है, नहीं, तो हमारा कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो इंसेक्ट की आंखें हमारी कैसी होती है, कंपाउंड होती है, और इनका जो विजन होता है बहुत सारे इसमें क्या है, मोजेक इमेज लाइट आई इंडिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यही बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, इससे इसको मैच करना है हमारा क्या है, फिशेस सिंगल सर्कुलेशन होता है इनमें फिशेस में, हाँ ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और एम्फीबियंस में हमारा कैसा होता है, मिक्स्ड होता है, एम्फीबियन में हमारा कैसा होता है, मिक्स्ड होता है,
रेप्टाइल्स होते हैं, इनमें भी हमारा कैसा होता है, सॉरी मिक्स्ड होता है, ठीक है। बर्ड्स में, इनमें हमारा क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। और रेप्टाइल में हमारा क्रोकोडाइल होता है, उसमें हमारा कैसा होता है, डबल होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, सही हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट उस पर हम लोग क्या है देखते हैं उसको। ठीक है, तो पहले का यहाँ पे क्या चीज था, तो पहले का यहाँ पे डी था, और तो ये डी यही सही आएगा इसका, ठीक है। इसका बी और उसके, क्योंकि दोनों में यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है मिक्स्ड हो रहा था लास्ट में, तो सही सही होगा, 20 हो जाएगा। स्कॉर्पियन रेस्पायर्स विद हेल्प ऑफ द, तो स्कॉर्पियन के जो रेस्पायर्स होते हैं, ये आर्थ्रोपोड्स का ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है। ये हमारा किस में हेल्प करता है, बुक लंग्स, हमेशा याद रखो ये स्कॉर्पियन होता है, हमेशा क्या है इसके लंग्स कैसे होते हैं, बुक लंग्स रेस्पायरेशन करता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है। सिलोम ड्राइव फ्रॉम द ब्लास्टोसील इज कॉल्ड, अगर सिलोम का ब्लास्टोसील से होता है तो उसको क्या नाम से जानते हैं, तो उसको सीडोसील के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। और सीडोसील कहाँ से स्टार्ट होती है, तो प्लेटेहेलमिंथीज फाइलम है, वहां से याद चलती या होती है, प्लेटेड हेलमिंथीस, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, डायग्राम शोज द कॉडल फिन ऑफ अ फिश, दिस टाइप ऑफ द कॉडल फिन इज कॉल्ड, ठीक है। डायग्राम इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन जो डायग्राम आपने देखा, जो कॉडल फिन होती है, तो उसको अगर ठीक है, तो इसको अगर इसको जो कॉडल फिन है ये वाले, ठीक है, तो इसको किसके नाम से उसको क्या है जानते हैं, तो ये हाइपोसीर सर्कल होते हैं, हेट्रो सर्कल टाइप से होते हैं हमारा क्या है, होमो सर्कल होते हैं, या फिर आइसो सर्कल होते हैं। तो हमारा क्या है जो फिशेस में है कैसे होते हैं, ये छोटे और बड़े होते हैं, तो इस कंडीशन को क्या हेट्रो सर्कल के नाम से जानते हैं। ये देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पुअर ऑफ लोकोमोशन पावर ऑफ द लोकोमोशन पुअर इन द एस्केरिस, एस्केरिस में पुअर होती है लोकोमोशन पावर, हाँ ठीक है। बहुत द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस हैज क्यूटिकल बट लैक्स ऑफ सर्कुलर, तो ये भी हमारा कैसा है, ठीक है। तो 23 का बी, बोथ ए और आर ट्रू बट आर नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी, ठीक है, क्योंकि ये सही तो दोनों है, लेकिन अगर इसमें बिकॉज अगर लगा के दे, द बॉडी वाला ऑफ एस्केरिस हैज, हाँ ठीक है, द पावर ऑफ द लोकोमोशन इज पुअर इन द एस्केरिस बिकॉज द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस एंड हेड क्यूटिकल लैक्स ऑफ सर्कुलर, नहीं, तो इसका इसको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम इज फाउंड, तो ल्यूकॉन हमारा किस में देखने को मिलेगा, स्पॉन्जिला में आपको देखने को मिलता है ल्यूकॉन, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड टू वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द मायोग्लोबिन, कह रहे हैं मायोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन के हो, तो मायोग्लोबिन हमारा क्या होता है, लो मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन्स होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ वन हीम और प्लस वन उससे, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है मायोग्लोबिन, ये लो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, कंसिस्ट विथ सिंगल ऑक्सीजन के, उससे क्या होता है ये, ठीक है, तो एक होता है, तो एक से ही हमारा क्या बाइंड करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसको याद रखना है, इसको
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन, ए मेजर फंक्शन ऑफ द गॉल्जी बॉडी हमारे क्या होते हैं, लाइट डिपेंड फोटोसिंथेसिस करता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन करता है, लिंकेज ऑफ द प्रोटीन विद शुगर करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो सबसे मेजर हमारा क्या, लिंकेज प्रोटीन विद शुगर, ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है, द फॉलोइंग फॉलोइंग आर सेम ऑफ द सेल वॉल फॉसिल्स ऑफ इवोल्यूशन मॉडर्न, कह रहे इनमें से कौन सा था द सम ऑफ द वेल नोन फॉसिल द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न मैन। अच्छा, इनमें से कौन सा वेल नोन, अच्छा हाँ, इवोल्यूशन ऑफ द, ठीक है ठीक है, इनका इनका पूछा क्या है, इनका सिक्वेंस हमारा पूछा गया है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, स्टेलोपिथेकस, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक नंबर पे आए। इसके बाद में आए होमो इरेक्टस, ये हमारा क्या है, दो नंबर पे आए। फिर हमारा कौन से है, नियंडरथल, ये हमारा क्या है, तीन नंबर पे आए। और उसके लास्ट में जो चौथे चल रहे हैं, क्रोमैग्नन है, ठीक है। तो एक दो तीन चार, तो कौन सा आ रहा है, एक नहीं डी, इसमें पहला आ रहा है, तो चार दो, इसके हिसाब से ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही आएगा निकल के, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज नॉट प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट विद द लाइफ ऑरिजिन, जब हमारी लाइफ यानी उत्पत्ति हुई थी तब कौन सी गैस इसमें नहीं थी, तो उस समय क्या है, ऑक्सीजन नहीं थी, बाद बाकी ये सारे थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, द होमोनिड फॉसिल्स लूसी बिलोंग टू द क्लास, कह रहे हैं इसमें से जो लूसी फॉसिल था ये हमारे कौन से क्लास को बिलोंग करता था, ठीक है, होमोनिड फॉसिल था। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेनेसिस था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंस था, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस बायोसाई था। तो जो हमारा था ये, इसका बी समझ होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस था हमारा, ठीक है, ल्यूसी हमारा इसी क्लास को क्या है, बिलोंग करता है। इसके बाद में नेक्स्ट 30 है क्वेश्चन, द टेंशन ऑफ द CO2 इन आर्टरियल ब्लड प्रेशर, तो उसका जो टेंशन यानी दबाव होता है हमारे आर्टरी ब्लड प्रेशर CO2 का कितना होता है, तो ये 40 mmHg होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये प्रेगनेंसी में हमेशा कम हो जाता है, 32 के आसपास पहुंचता है जाके, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेनुलोसाइट, इनमें से कौन सा है जो ग्रेनुलोसाइट, यानी इसमें कौन से, किसकी बात चल रही है, WBC की बात चल रही है। तो WBC हमारे कैसी होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है, और एक आ ग्रेनुलोसाइट होती है, ठीक है, और दूसरी होती है ग्रेनुलोसाइट। दो आती हैं, एक होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है, और पूछा है कौन सा ग्रेनुलोसाइट इनमें से इज नॉट आ ग्रेनुलोसाइट, आ ग्रेनुलोसाइट होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें से कौन सी है, मोनोसाइट हमारी होगी, ठीक है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट दोनों दोनों क्या है, ग्रेनुलोसाइट है हमारी, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटरोसोम, कह रहे हैं इनमें से कौन सा हमारा, कौन सा है ड्यूटरोसोम नहीं है इनमें से, स्टार फिश है, लिजार्ड है, लैम्प्रे है और स्नेल्स है। तो ड्यूटरोसोम, और तो ड्यूटरोसोम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, ये इकाइनोडर्मेटा से स्टार्ट हो जाता है हमारा, तो इकाइनोडर्मेटा, लैम्प्रे कॉर्डेटा में देखने को, लिजार्ड आर्थोपोड में आएगा, स्नेल्स मोलस्का, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा, लैम्प्रे स्टारफिश, ये हमारा किस में आएगा, मोलस्का स्नेल्स, ठीक है, तो यही हमारा क्या है, नहीं है ड्यूटरोसोम, बात बाकी सारे के सारे जी कहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, ऊपर इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स को बिलोंग कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑफ द बायो पॉलीमर्स। इनमें से कौन सा है जो बायो पॉलीमर्स की फॉर्म नहीं है? तो इसमें लिपिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं और मोनोसैकेराइड्स हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा लिपिड्स हैं, क्योंकि जो बायो पॉलीमर्स होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? लार्ज लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंसिस्ट विद है ना, ग्रुप ऑफ मोनोमर्स है ना, कंसिस्ट विद ग्रुप ऑफ मोनोमर। ठीक है, और लिपिड हमारा होता है केवल, हमारा किससे बना होता है? ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बना होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद में थर्टी फोर है, कीवी बिलोंग्स टू द ऑर्डर। कीवी जो चिड़िया होती है हमारी, क्या किसको बिलोंग करती है? ये फ्लाइटलेस हमारी बर्ड होती है। ऑर्डर पहले तो हमारे होता है क्या है, ये इसका अगर साइंटिफिक नेम जाए तो एप्टेरी एप्टेरिगेट्स होता है इसको। ठीक है, एप्टेरिक्स नाम से जानते हैं तो, और एप्टेरिजी फॉर्म्स ऑर्डर को ही बिलोंग करती है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिप्लॉयड। कह रहे इनमें से कौन सा पेयर है जो हमारा कैसा है, डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड हमारा क्या है, स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी, हाँ स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया के बाद ये हमारे क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और इनके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, ये हमारे कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। इसको याद रखना, तो बाद बाकी ये सब कैसे हैं, हैप्लॉयड है, यही हमारे क्या है, डिप्लॉयड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, इन पॉलीसाइथीमिया द नंबर ऑफ द रेड सेल्स इंक्रीज्ड ग्रेटली द कॉजेस एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू। इसकी वजह से जब हमारे रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा यानी RBC बढ़ जाएंगे तो इसके एडवर्स यानी साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज्ड अवेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन बढ़ जाएगी इसमें। ठीक है, इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड हो जाएगा, तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड यही हमारा क्या है, बढ़ जाएगा, तो यही हमारे इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 37 है, एशियाटिक लाइन इज कंफर्म टू। एशियाटिक लाइन हमारे कहाँ देखने को, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, गिर नेशनल पार्क हमारे गुजरात में है, दुधवा नेशनल पार्क हमारी यूपी में है, और बांधवगढ़ हमारे क्या है, MP में है। ठीक है, अब पूछा क्या है, एशियाटिक लाइन हमारे तो क्या है, गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है, मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है, इन मैन द स्पीड ऑफ द रिकग्नाइज ऑफ द पर्टिकुलर टेस्ट विद अ प्रोट्यूस्ड टॉन्ग कंपेयर टू द टॉन्ग इन इन सीटू इज। इन सीटू मीन्स और एक्सीटूस होते हैं, इन सीटूस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक ही आवास में रहते हैं। ठीक है, और एक्सीटूस ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह उनको क्या ले जाके प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो इन सीटू और एक्सीटू, अब कह रहे हैं जो मैन है तो इनकी कंपेयर अगर टोंग की जाए, मतलब मनुष्य की और इंसिटू एक ही, तो उसमें क्या वो आएगी, तो इसके इनिशियली फास्टर देन द स्लोर, तो इसका यही डी ऑप्शन हमारा सही है, इसको थोड़ा सा अमल में लाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज फाउंड ओनली एमनियोट्स। कह रहे हैं एमनियोट्स में कौन सी नर्व देखने को मिलती है, तो एमनियोट्स में कितनी हो, एमनियोट्स, तो एमनियोट्स में क्या है, 12 क्रेनियल नर्व देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें कौन सी आपको देखने को मिलेगी, तो यानी 10th, 11 और 12 वाली। तो 11 हमारी कौन सी होती है, एसेसरीज होती है, और 12 हमारी कौन सी होती है, हाइपोग्लोसल होती है। ठीक है, ये वाली है, तो
इनमें पूछिए एसेसरीज तो है नहीं, तो ये डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यही आपको देखने को मिलेगी। बाद बाकी ये तो दोनों में कॉमन होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल एंड एयर पॉल्यूटेंट, ये इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूटेंट नॉर्मल है। तो CO2 हमारा क्या है, नॉर्मल एयर पॉल्यूटेंट है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा इन मैमल्स, कह रहे हैं इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी मेम्ब्रेन है, फीटस मेम्ब्रेन, जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में कोई उसका महत्व नहीं होता है। तो कोरियोन, ठीक है, एमनियन और एलनटॉइस और योक सैक पूछा है किसमें। कोरियोन, कोरियोन सबसे बाहर इसका तो होता ही है, ठीक है, एलनटॉइस और एमनियन। तो जो एमनियन है इसका कोई रोल नहीं होता, फीटस के शॉक एब्जॉर्बर का वर्क करती है। ठीक है, योक सैक ये हमारा हो गया, एलनटॉइस ये हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो जो बीच की होती है ये हमारे कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है, तो एमनियन हमारा प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा लास्ट ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एक्ट बोथ एम्ब्रियोनिक लंग्स एंड यूरिनरी ब्लैडर, जो लंग्स का और यूरिनरी ब्लैडर दोनों का काम करती है। तो यूरिनरी ब्लैडर का काम हमारी कौन सी, एलन टॉयस करती है, इसको याद रखना। ठीक है, और योक सैक हमारी कैसी होती है, एज ए फूड रिजर्वायर होती है, एज ए फूड का काम करती है, हर नाल स्टमक का काम करती है। ठीक है, योक सैक। और कोरियोन हमारी होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ये। एमनियन हमारी कौन सी, शॉक एब्जॉर्बर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये हमारे इसके कुछ पॉइंट्स है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंस ऑफ विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटिक मेलाइटिस होती है, डायबिटिक इंसिपिडस होता है। तो इंसिपिडस में हमारा ADH हार्मोन होता है, इसकी डिफिशेंसी होता है जिसकी वजह से बहुत फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होता है, जल्दी जल्दी पेशाब आती है। क्वेश्चन 44 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक, कह रहा है तो इनमें से कौन सी होती है जो एम्ब्रियो को प्रिवेंट करती है एक्सटर्नल शॉक से। तो हमारे कौन सी है, एमनियोन होता है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आ म्यूटेशन दैट चेंज आ कोडॉन स्पेसिफिक वन एमिनो एसिड टू टर्मिनेशन ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, नॉनसेंस म्यूटेशन होता है। मींस अगर एक कोडॉन अगर रिप्लेस कर दिया जाता है तो उसके रिजल्ट से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर चेंज हो जाता है, तो उसको नॉनसेंस म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। 46 इन ह्यूमन आई कलर परसेप्शन इज डन बाई, कलर के लिए रेस्पॉन्स होती है केवल हमारी कौन सी होती हैं, कोन सेल्स होती हैं, और रॉड सेल्स हमारी कैसे होती है, ब्लैक एंड व्हाइट, और रात के अंधेरे में काम करती हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, सेकेंडरी हमेशा क्या है, हैप्लॉयड होता है, इसको याद रखना है इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज पॉइजनस वन, इनमें से कौन सा है जो पॉइजनस है। तो टिफ्लोस हो गया, जेमिनीस हो गया, हाइड्रोफिस हो गया और ट्रेपिडोनाटस, ट्रेपिडोनाटस हो गया। तो जो हाइड्रोफिस है यही हमारा क्या, समुद्र में पाए जाने वाला है, तो ये हमारा क्या है, पॉइजनस होता है, बाद बाकी सारे के सारे नॉन पॉइजनस है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, कह रहे हैं द फास्टर बीगल डांस जब होती है हनी बी के बाई द वर्कर ऑफ द हनी बी, जब हनी बी जब जब फास्टर डांस करती हैं तो उसका मतलब क्या होता है, क्या होता है फूड, इसका मतलब क्या होता है, फर्दर अवे द फूड, क्लोजर द फूड हो जाए, ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ द अवेलेबल हमारा जाएगा। तो जब फास्टर डांस करती हैं तो क्या, फर्दर अवे द फूड यानी दूर, यानी खाना हमारा बहुत दूर है, इसका ये मतलब हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 है, अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन द टर्म देयर द इंक्रीज प्राइमरी
प्रोडक्टिविटी, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी पहले, फिर उसका दूसरा, फिर तीसरा, यानी असेंडिंग में हमको इसको क्या अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले कम किसकी होती है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको नीचे और कुछ है इसके, उसको देख ले, ठीक है। तो डिजर्ट सबसे कम इसकी होगी, फिर हमारा क्या है, फिर उससे, फिर हमारा ये हो जाएगा ग्रासलैंड, उससे ज़्यादा, फिर हमारी किसकी होगी ओशियन, और फिर हमारा होगा यानी डी, ठीक है। तो इसको ऐसे ही बिल्कुल सही क्रम में लगे हुए हैं इसके। तो ये सी हमारा यही सही आ रहा है, एक का तीसरा, ठीक है, यानी पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, इसके बाद में नेक्स्ट। बायोसिनोसिस आर डिजीज इज कॉज्ड बाय द, अच्छा बायोसिनोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे किसको होता है, लेड पार्टिकल्स के थ्रू होती है, उसको याद रखना। साइटोकाइनीज आर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, साइटोकाइनीज स्टेरॉइड हार्मोन होता है, और हमारा क्या है प्रोटीलेटिक एंजाइम होता है, लाइपेज होता है। तो जो हमारा साइटोकाइनीज, ये हमारा कैसा होता है, प्रोटीन नेचर का होता है, तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, इसको याद रखना। 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन प्लेजिक, कह रहे हैं इनमें कौन सा एनिमल जो प्लेजिक होता है, प्लेजिक मीन्स डीप सी, डीप सी समुद्र में सबसे गहराई पे मिलते हैं, उनको डीप सी के नाम से आते हैं। तो यूप्लक्टेला हो जाएगा, और हमारा क्या है नेक्टी कुला, ठीक है। तो बोथ बी और सी, सॉरी सॉरी, ठीक है, बी और सी आएगा, इसका मतलब हमारा क्या, फाइसेलिया और यूप्लक्टेला हमारा ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है, फ्लावर बास्केट के नाम से आते हैं, यानी ये हमारे दोनों फाइसेलिया हमारे क्या और नॉक्टिकुला, तो ये हमारे डीप सी है और प्लेजिक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 54 है, तो इसमें से जो है द वाइल्ड प्रोडक्शन एक्ट वाज द एन, है ना, एनहांस इंडियन गवर्नमेंट, तो ये क्या है 1972 में, क्या 1972 में इसको क्या है मॉडिफाई किया गया और स्टार्ट किया गया था। उगोनियम, उगोनियम हमारा कैसा होता है, ये हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, तो उगोनियम हमारा कैसा है, डिप्लॉयड होता है, ये हमारे कैसा होता है, ये फीमेल पार्ट हमारा होता है। बॉम्बेक्स मोराई बिलोंग टू द क्लास, तो बॉम्बेक्स मोराई होता है क्या, ये लेप्रोटेरा हो गया, डिप्टेरा हो गया, हिमोप्टेरा हो गया, ननाफेबो होगा, तो ये हमारा इंसेक्ट है, इंसेक्टिसाइड को बिलोंग करता है, और डी हमारा सही ऑप्शंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, इन 24 आवर्स द फिल्ट्रेट इन ह्यूमन किडनी इन अप्रोक्सीमेट, 24 आवर्स में कितना फिल्टर कर देती है, ठीक है, फिल्टर की बात कर रहे हैं, यूरिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिल्टर लगभग हमारा क्या है डी, यानी 180 लीटर के आसपास ये हमारी क्या है फिल्टर कर देती है, ठीक है। और यूरिन अगर बात की है, यूरिन कितनी बाद में रीऑब्जर्व होते हैं, तो 1.8 लीटर के आसपास यहाँ पे यूरिन पास हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट इसका है 58, इसको मैच करते हैं हम लोग, ओडोन एक दूसरे से मैच करते हैं, रोग है, अच्छा टेंगरा और मोम, अच्छा स्केल के आधार पे इसको क्या है मैच करना है। तो महासीर होती है इसके, क्या है सबसे लार्ज स्केल होते हैं इसके, वेरी लार्ज स्केल, ठीक है। रोहू, तो रोहू हमारे कैसे होते हैं, मॉडरेट होते हैं, मैंने मीडियम के साथ इनके वो देखने को मिलते हैं, और टैगरा सबसे छोटे होते हैं स्मॉल, ठीक है। और मोह के हमारे कैसे होते हैं, इस पे होते ही नहीं है हमारे मोह, तो ये इम्पोर्टेंट है, ऐसी कौन सी फिश है जिसपे क्या है स्केल्स एब्सेंस होते हैं, तो मोह हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसके हमारा सी ऑप्शन हमारा यही ठीक बैठ रहा होगा। 59, इसको भी यहाँ से देख लेते हैं, फैंग्स ऑफ वाइपर, ये किसके हिसाब बात कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं हमारे स्नेक्स का,
फेंक साहब, बार बार हमारा जो इसके पॉइजन निकलता है हमारा कैसा होता है? ये हमारा होता है सोलोनो ग्लायोफस, ठीक है। और इसके बाद करैत का बेनम कैसा होता है? तो न्यूरोटॉक्सिन होता है ये हमारा, ठीक है। फैंग्स ऑफ कोबरास, तो कोबरास में क्या है? प्रोटियो ग्लाइफस होता है, ये प्रोटीन को तुरंत तोड़ देता है हमारा। और हमारा क्या है? वाइपर बचा हमारा क्या है? बेनम, इसका कैसा का हीमोटॉक्सिन होता है, इसको क्या है? रेड ब्लिसी का क्या है? डिस्ट्रक्शन कर देता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। इसके बाद में डक्टस एंटीरोसिस इज फाउंड इन द एरोटिक आर्ट ऑफ, कह रहे हैं डक्टस एंटीरोसिस डक्टस में देखने को, यूरोडेल्स में देखने को मिलती है ये। और क्वेश्चन नंबर 61 है, वन है, द क्वाड्रेट बोन ऑफ द रेप्टिलिन अपर जा इज द फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड विच ऑफ ईयर ऑसिकल ऑफ द मैमल्स, कह रहे हैं जो फाइलोजेनेटिकली होती है वो ईयर ऑफ ऑसिकल से किसके रिजेम्बलिंग होती है, इसके रिलेटेड होती है। तो ये हमारे क्या इनकस के रिलेटेड होती है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट है यानी 62 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑल स्नेक्स लैक ऑफ एक्सटर्नल ईयर, किसी में नहीं होता है। पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स कैसे हो? पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, सही है। स्नेक कास्ट कैसे होता है? एपिडर्मल। ऑल स्नेक डीप, सारे के सारे क्या बहरे होते हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ता, नहीं, ठीक है, सारे के सारे सब सुन लेते हैं, क्लियर नहीं होते उनके, ये बार फैक्ट है। लेकिन वो हमारे क्या है? वाइब्रेशन करते हैं ईयर का और अर्थ का दोनों को, जब जीभ वो निकालते रहते हैं अपने क्या माउथ से, तो उनके माउथ से जीभ निकलती है, उसमें बाइफिड होती है, तो उसकी वजह से ये सारे के सारे ध्वनि को ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 62 के आसपास जूलॉजी के थे। नेक्स्ट वाले हम लोग बॉटनी डिस्कस कर लेंगे, और सेशन में बस इतना ही।